सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। चौदह नंबर वार्ड में एक जल भराव की समस्या समझ और एक नाली उसको देखने गए। उसके बाद उसके बाद नहीं बोले तो यार वार्ड नंबर चौदह में एक ट्रांसफार्मर की समस्या थी, खड़े होकर देख रहे थे जी। इतने में अचानक नीरज राजपूत मोटरसाइकिल से आए जी, मुझे गालियां देते हुए रिवॉल्वर निकाली, इन्होंने एक फायर किया वो मिस हो गया जी जी। दूसरा फायर इन्होंने लोड किया तो हमारे साथ में लड़के ने एक हाथ उनका ऐसा कर दिया तो वो हवा में फायर हो गया जी। उनके पास डोई काटी संभव था तो उसके बाद ये वहाँ से चला गया। क्या इसके पहले भी आपका कोई वाद विवाद हो गया था क्या? हमारा विवाद हमारा तो नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन नगर पालिका में लीडर वो अशोक सोनी बैठा था उसके साथ इन्होंने अवस्था की थी। तो हम यहाँ से कोतवाली आके उसकी कार्रवाई की रिपोर्ट की थी और उसके काउंटर में उसने कोर्ट से हमला हुआ और सभासद नेपति ने उन पर फायर किया। क्या ये पूरे नगर पालिका चेयरमैन जो है अनिल बहुगुना उनके ऊपर उनका कहना है कि नीरज राजपूत नाम के जो सभासद प्रतिनिधि हैं जिनकी पत्नी सभासद है उन्होंने उन पर दो फायर किए हैं और जिसमें वो बच गए। उनके साथ दो लोग और थे चश्मदीद हुआ जो मौके पर थे। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, उसकी जांच कराई जा रही है। अगर ये घटना सत्य पाई जाती है तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर चेयरमैन समर्थकों ने कोतवाली परिसर में आकर प्लस महकमे के साथ हत्या की है। इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है और इस पर भी जाँच करा कर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।